ट्रिपल 01। आप कहोगे विक्रम भाई 9S है तो ये स्कूटर मोटरसाइकिल पे होना चाहिए था, गाड़ी पे कैसे है भाई? नोटिफिकेशन बंद कर रखा है। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ आपका नोटिफिकेशन आना चाहिए भाई, बाकी नहीं चाहिए। भाई लेते सीधा गाड़ी पंप पे है। चलो जी तेल फुल करा लेते हैं। अब देखो वैसे चलाने में आनंद इसको पता क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर पावर स्टीयरिंग है। अब ये देखना है स्टार्ट भी होगी नहीं होगी। अभी तक तो बेचारी कैसे खड़ी है बता यार, कितना पेट्रोल डलान लगा था मैं, गाड़ी खड़ी हो गई यार। जिप्सी ने भाई साहब पहले दिन दम तोड़ दिया, पहले दिन क्या कुछ ही मिनटों में ही दम तोड़ दिया हमारी जिप्सी ने यार। शिट यार भाई अभी जिमनी लेती है अपनी कितनी जगह है, 4 फुट का ये टुकड़ा मान लो ठीक है, 4x3 के हिसाब का काट रखा है, तो इतनी जगह इधर बच जाती है, तकरीबन 3-4 फुट की जगह इधर बचती है और इधर भी अच्छी खासी जगह बचती है। तो अगर मान लो ये जिमनी थोड़ी सी उस तरफ हो जाएगी तो यहाँ जगह बन जाएगी। अब आप सोच रहे होगे कि विक्रम भाई ये किस चीज की जगह बना रहे हो। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल सब लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा कि हम गए थे भाई जिप्सी देखने के लिए, ऑलमोस्ट अपने को पसंद आ गई थी, लेकिन अभी तक भाई का जवाब नहीं आया है, उन्होंने प्राइस बताया नहीं है। अब उनका बेचने का मन है नहीं है, मन तो है उनका बेचने का, लेकिन भाई देखो जोर जबरदस्ती आप किसी के साथ नहीं कर सकते। गाड़ी वो भी सही थी, लेकिन साथ के साथ अपन ने ना क्या कर रखा था, एक और गाड़ी भी ढूंढ रखी थी, मतलब वो उससे पहले ढूंढी थी, मतलब जो देखने गए थे उससे पहले वो ढूंढी थी, लेकिन वो भी थी। उन भाइयों का जवाब जब तक आएगा तो ठीक है, वो भी चाहिए, वो भी अपने मित्र है, उनको चाहिए उनको दिला देंगे, लेकिन अपने को तो भाई अब चाहिए, अपने को तो चाहिए। तो भाई मैं अभी जा रहा हूँ पवन भैया के पास, जिनका ओम ऑटोमोबाइल्स है, वहाँ चलेंगे। उनके पास जिप्सी खड़ी है, उनके किसी यार दोस्त ने उनको दी थी, तो उनका भी मन था कि वो उसको बनाए, लेकिन वो कह रहे हैं यार मेरा मन नहीं कर रहा इसको बनाने का, तो मेरा मन है इसको देने का। तो कुदरती ऐसे बैठे थे, वहाँ भैया मेरे को लेनी है आपको देनी है मेरे को दे दो। अभी चलते हैं देखते हैं कैसी है, चलाई नहीं मैंने अभी तक, चलाएंगे देखेंगे चेक करेंगे क्या कुछ है क्या नहीं है। तो उसी लिए मैं थोड़ा सा ना अभी यहाँ पे अपने गैरेज में ना पार्किंग की सुविधा देख रहा था। देखो पहले भी यहाँ 3-4 गाड़ियां खड़ी होती थी, लेकिन उस टाइम पे ये बागवानी नहीं होती थी। अब ये बागवानी हटाऊंगा तो पूजा मेरे को कहेगी तुम बाहर खड़े हो जाओ तुम्हारी गाड़ी होनी भाई इतनी जगह ले ली, तो वही बात है। तो ये चीज तो ऐसे रहेगी, इस गाड़ी को हम या शिफ्ट कर देंगे और या उधर कर देंगे, और या स्कॉर्पियो आएगी इधर तो भाई फिर उसके साथ तो कोई नहीं आएगी, उसके पीछे नैनो तो आ सकती है यहाँ पे ठीक है ना, और कोई गाड़ी नहीं आ सकती। अब जिमनी और जिप्सी दोनों लंबे में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे चलो कोई नहीं, आके देखेंगे। ये रहा भाई हमारा एयर फिल्टर जिमनी का, ये भाई मैंने प्रेशर वॉश करके धो दिया था, अब ये धूप में सुखा रखा, सूख गया भाई धूप में, ये थोड़ा सा और सूख ले बेटा ठीक है ना, इसको धो के इमरजेंसी के लिए मैंने रख दिया था। खैर धोना नीचे तो बस मैंने जस्ट ऐसे ही प्रेशर मार दिया था, मैं चेक कर रहा था कि फटेगा क्या होगा क्या हालत रहेगी इसकी। फिलहाल तो चलो भाई अपनी बैठो स्कॉर्पियो में, अब अपने आगे चल रहे हैं भाई। ये वेलार और इसका नंबर है DL9SJ000001। आप कहोगे विक्रम भाई 9S है तो ये स्कूटर मोटरसाइकिल पे होना चाहिए था, गाड़ी पे कैसे है भाई? तो ये जो नंबर्स है ना भाई स्पेशल नंबर्स थे, ये पहले आते थे अब नहीं है। अब ये भाई अब जिसके पास है वो भाई अपने बेचना भी मत, अपना जो हितेश भाई है ना उनके पास है DL3SY3333। अब उनके पापा का नाम है श्री सुशील यादव, तो भाई उनके ऊपर तो सही जचता है, एस वाई फिट बैठता है उनके पे ना सही, तो ये भी भाई इनका SJ बैठ रहा होगा सही क्या नहीं, तो इसीलिए नहीं तो अब तो 9C कार के लिए है, 9S स्कूटर वगैरह के लिए, 1L लोरी के लिए, 1P आपका परमिट वाली जो बसेस होती हैं गाड़ी उनके लिए हो गया। इस तरीके से भाई मिलते हैं दिल्ली में नंबर, बाकी भाई आप सबके पास भी अगर ऐसे सीरीज में है नंबर तो भाई उनको अपने पास रखना, आज की डेट में इनकी बहुत तगड़ी वैल्यू है। और जो रॉक्स के अंदर होपिंग वाला इशू है ना भाई, इशू तो नहीं है एक बहुत ही बड़ा इशू बना दिया गया है, कह रहे हैं कि कंपनी को ना ये बताना चाहिए कि 3000 RPM पे आप क्लच मत छोड़ो। यार जो वीडियो मैंने बनाया ना जिसमें प्रॉपर डिटेल मैंने बताई है, उसमें आप ध्यान से सुनो समझो कि 3000 RPM पे ठीक है मान लो आप छोड़ सकते हो, लेकिन तब जब आपकी गाड़ी भाई कहीं फंसी हो, जब गाड़ी आपकी कहीं फंसी ही नहीं है, गाड़ी के अंदर लोड ही नहीं है, उस टाइम पे आप जबरदस्ती अपने इंजन के ऊपर लोड डाल रहे हो। एक सिंपल सा लॉजिक समझा रहा हूँ यार, वही नहीं समझ में आ रहा यार, कैसे समझाऊं बताओ यार कैसे समझाऊं। तो वो चीज है, ये हर गाड़ी में होता है, कोई सी भी गाड़ी पकड़ लो आप, फ्रंट व्हील ड्राइव पकड़ोगे तो पहिए स्पिन नहीं मारते ऐसे, तो करते हैं हर गाड़ी के करते हैं यार, तो थोड़ा सा यार अपना लॉजिक लगाओ, ठंडे दिमाग से सोचो कि भाई काउंटर करना ही करना है, इस चीज को काउंटर मत करो, उस चीज को समझो कि हाँ ये चीज ऐसे है, ये हर गाड़ी में होती है। मानता हूँ कि थार रॉक्स के अंदर भाई एक्स्ट्रा बाउंस हो रही है, वो बिकॉज ऑफ कार वेट भी हो सकती है,
या कोई उसके अंदर प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है, उसके सस्पेंशन की दिक्कत भी हो सकती है। क्या आप तो उसका सस्पेंशन इतना ज्यादा सॉफ्ट कर दिया हो महिंद्रा ने, ठीक है, कि भाई वो झेल ही ना पा रहा हो इतनी पावर को, उछाले जा रहा है। पर ये गलत है कि उसके पहिए हवा में आ रहे हैं, हवा में नहीं आने चाहिए, ठीक है। होपिंग इशू हर गाड़ी में होता है, लेकिन इतने हवा में नहीं आने चाहिए जितने रॉक्स के आ रहे हैं, ये मानने वाली बात है। बाकी तो भाई नॉर्मल ही है, इस चीज को छोड़ दो बस, अब यार छोड़ो। अपने भाई सब्सक्राइबर फैमिली से भाई मिल रहे EH0003, भाई साहब ने तो गाड़ी साइड में लगा दी थी। माँ भाई साहब यहाँ तक कैसे वार्तालाप कर पाएंगे, साइड में रोक के आगे बातचीत करते हैं। भाई साहब को स्कॉर्पियो एन का रिव्यू लेना है कि मतलब कैसी गाड़ी है, लेने लायक है या नहीं है। माँ भाई साहब लेने लायक तो है, हमारे पास इतनी टिक गई तो लेने लायक ही है। भाई साहब ने ना सब्सक्राइब तो कर रखा है, कह रहे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, मैं नोटिफिकेशन बंद कर रखा है। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ आपका नोटिफिकेशन आना चाहिए भाई, बाकी नहीं चाहिए। सर वो तो सबका ही आएगा, देखो एक का करोगे तो आएगा ही आएगा, तो आप फोन करना पड़ेगा। तो आप मेरी अगर सब्सक्रिप्शन लिस्ट देखोगे हाँ, तो फिर यू विल बी सरप्राइज टू सी दुनिया भर के चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं। एक दिन बैठ के इसको सॉर्ट करता हूं। ये आपने ज्यादा ना, मैं तो ये कह नहीं सकता कि आप उन सबको अनसब्सक्राइब करो। नहीं अनसब्सक्राइब नहीं, इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। नहीं सही बात है, ये बात तो है। तो सर कुछ सही है भाई, स्कॉर्पियो एन अब भाई चलाते ही है नहीं, आई थिंक इन्होंने भाई 4 साल में ये 26-27 हजार किलोमीटर चलाई है, तो क्या ही चलाई है भी आपकी स्टॉक ही है। हाँ अब आगे 2025 लगेगा तो 5 हो जाएंगे। चलो यार ये गाड़ी भी बढ़िया है, इसका तो फिर कहना ही क्या है, ये तो है ही एक नंबर। ओके जी बाय। अपना भवदीप भाई थे भाई, यही सेक्टर 46 में रहते हैं, और बड़ा अच्छा लगा भाई से मिलके। भाई एक बात बड़ी अच्छी लगी भाई की, बोला सिर्फ आपका नोटिफिकेशन आना चाहिए और किसी का नहीं आना चाहिए। भाई YouTube ऐसा भी कुछ कर दो यार कि मतलब जिनको जिस चैनल का नोटिफिकेशन चाहिए, मैं ये नहीं कहता अकेले मेरे लिए, भाई जिनको जिस चैनल का नोटिफिकेशन चाहिए उनको उस चैनल का नोटिफिकेशन मिल जाए भाई। इसीलिए मेरे को लगता है फर्क है भाई, नोटिफिकेशन बंद रखते हो आप यार, सब्सक्राइब करते हो ना तो नोटिफिकेशन भी ऑन रखा करो, तभी तो आपके पास वीडियो पहुंचेंगे। अभी रिसेंटली ना पिछले 2-4 दिन में ना मुझे काफी भाई लोग ऐसे मिले, विक्रम भाई आजकल वीडियो नहीं डाल रहे क्या? मैं यार वीडियो तो डेली शाम को 5 बजे आ रही है, हुआ महीने में एक आध दिन की छुट्टी ले ली अलग बात है, लेकिन वीडियो तो मैं डेली आती है। बोला यार आता नहीं है, फिर मैं दिखाओ फोन, देखे तो भाई नोटिफिकेशन बंद होता है। एक आधे का नोटिफिकेशन ऑन भी है तब भी नहीं आ रहे। यार यूट्यूब ऐसे मत करा करो यार, नोटिफिकेशन भेजा करो यार, लोग प्यार करते हैं हमारे को, है प्यार देने तो यार उनको वहां पे, है नहीं और क्या। लो जी पहुंच गए जी हम ओम ऑटोमोबाइल्स, किधर है हमारी जिप्सी, किधर गई? अरे उस दिन तो यहाँ खड़ी थी, वो तो पवन भैया की खड़ी है, सारे भाई लोग बैठे। अरे भैया ये देखो ये वॉश पे लगा रखी है, अरे वाह धो धागे रेडी है। अरे गाड़ी तो भैया ने काफी देर से स्टार्ट कर रखी है भाई, काम तो बहुत है गाड़ी में। तो अपन चलेंगे अभी एक बार इस गाड़ी की ड्राइव पे। मीटर दिखा रहा है भाई इसका 52,000, ओ माय गॉड काफी चली हुई है। लाइट भी आ रही, तेल नहीं है भाई, पहले तेल डलवा लेते हैं गाड़ी में, फिर इसको ड्राइव पे लेके चलते हैं। अब देखो वैसे चलाने में आनंद इसको पता क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर पावर स्टीयरिंग है। कल जो हम चला रहे थे ना उसमें पावर स्टीयरिंग नहीं था, ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा पावर स्टीयरिंग है तो थोड़ा ईज हो रही है। और मजेदार नहीं है भाई, बहुत सी चीजें मेरे हिसाब की नहीं है इस गाड़ी के अंदर भाई, लेकिन वो अपने हिसाब से करनी पड़ेंगी, ठीक नहीं भाई। लेते सीधा गाड़ी पंप पे है, चलो जी तेल फुल करा लेते हैं भाई। इस गाड़ी में ना बॉडी वाइज देखे ना तो बहुत ज्यादा काम है, यानी लाइटें शाइटें ग्रिल ये वाला पार्ट ये है तो ठीक है, वाले तो बन जाएंगे, पर गलावट बहुत है। पर कोई नहीं भैया, हमने तो बिल्कुल A to Z काम करना है। कल वाली की कंडीशन अगर हम बॉडी वाइज देखें ना तो इससे थोड़ी सी बेटर थी, थोड़ी सी नहीं काफ़ी बेटर थी, पर कोई नहीं भाई, ये मिल रही है वो मिल नहीं रही थी, बनानी तो हमने सारी ही हैं, ये नहीं। चलो अब ये देखना है स्टार्ट भी होगी नहीं होगी ना। वो भाई गया भाई, धक्का मार दोगे थोड़ा, मारिए यार थोड़ा। अरे भाई साहब धक्का लगवा दिया भाई, पेट्रोल पंप पे खड़ी हुई गाड़ी से धक्का, इसलिए मैं बंद नहीं कर रहा था। थोड़ा और लगवाइयो यार थोड़ा सा। कैफ को बुलाया है अभिषेक भैया के वहां से, मां जा भाई एक बार जम स्टार्टर लेके इसकी बैटरी के लगा के मैं करें यार इसको, क्या नहीं। टायर कब किए भाई, टायर तो चेक कर लूँ इसके, जब तक टायर की मैन्युफैक्चरिंग किधर गई। 215/75/15 है टायर है ये भाई आपका MR है, लोकल है लग रहा भाई मेरे को, रही है मेरेकल
मिराज। अच्छी भली ड्राइव चल रही थी यार हमारी है, खाम खामे पेट्रोल डलवाने के चक्कर में रुका और गाड़ी बंद हो गई है। क्या यार, ये जिप्सी कह रही है कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, तू आज लेने के मूड से है पर मैं तो नहीं जाऊंगी। चल पड़े, देखो भाई देखते हैं, बाकी चेक करेंगे ओवरऑल, देखेंगे उससे और इस जिप्सी में कंपैरिजन करेंगे, नहीं तो भाई फिर आगे बढ़ेंगे। टायर तो सारे ही चेक कर लिए भाई मैंने इसके, टायर तो ये वाला तो थोड़ा ख़त्म टाइप का ही है, और टायर तो सारे इसमें चाइनीज़ वाले डले हुए, मेड इन चाइना, इनमें कई बार आती है भाई मैनुफैक्चरिंग डेट, कई बार नहीं देते ये, तो चलो कोई नहीं भाई, टायर का भी देखेंगे फिलहाल, एक बार स्टार्ट तो होइए, अभी तक तो बेचारी कैसे खड़ी है बता यार, कितना पेट्रोल डलान लगा था मैं, गाड़ी खड़ी हो गई यार। जिप्सी ने भाई साहब पहले दिन दम तोड़ दिया, पहले दिन क्या कुछ ही मिनटों में ही दम तोड़ दिया हमारी जिप्सी ने यार, शिट यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, है ना, थोड़ा और बैटरी चार्ज होनी चाहिए थी हमारी गाड़ी की। अब कैफ महाराज कहाँ रह गया, आ जा यार बहुत देर हो गई, अंधेरा हो जाएगा यार, क्या ही मैं चला पाऊंगा, क्या ही मैं मजा ले पाऊंगा इसका, और क्या ही इसके बारे में पता कर पाऊंगा। बैटरी कहाँ है, बैटरी ढूंढ रहा है, ये रख रखी लगा, जा न्यूट्रल कर दूं यार मैं, एक मिनट लगा भाई, बैटरी लगा कैफ, अच्छा वो नहीं लाया क्या, चार्जिंग केबल ना लाया, उससे करेगा है, पन्ने से करेगा स्टार्ट, ले भाई ये भी एक जुगाड़ होता है भाई, ये देखो ये पन्ना लगाएगा कैफ इस पे और ये जोड़ देगा, मारू सेल्फ, कह रहा रुक जाओ, जब लग जाए तो बता दियो करूं, अरे वाह बहुत बहुत धन्यवाद, हो गई स्टार्ट हो गई, अरे पेट्रोल डलवाने के लिए रुका था, मेरे को क्या पता था कि इतनी भी चार्ज नहीं होगी, एक्चुअली खड़ी है ना बहुत दिनों से ये, तो मैंने नहीं पता था कि बिल्कुल ही खड़ी हो जाएगी, ये खत्म ही गया बैटरी भी, डाउन ही है बैटरी बिल्कुल ही है ना, कोई ना अब स्टार्ट ही रखेंगे, इसे बंद ही ना करेंगे, बैटरी तो नहीं डलेगी, ये तो खत्म हो रही ना, 2018 की बैटरी है, अच्छा कोई बात नहीं, अब नहीं डाल देंगे 2025 की डाल देंगे, नहीं 25 तो आया नहीं, 24 की डालेंगे दर्द है भाई तरपाल सा, कर दे भाई बोनेट बंद कर दे भाई। इंजन वाइज ना ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा साउंड है, साउंड मतलब सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, चौथे गियर में चला रहा हूँ इस टाइम, ये देखो पांचवा भी लगा दिया, क्या मस्त चल रही है ना, मजा सा आ रहा है, मतलब इतने जाम में जहां दूसरा गियर लगाते ना वो तीसरे गियर में चल जाती है, पर अभी मैं रिस्क नहीं लूंगा ना, करना अपने को ऐसे, क्योंकि भाई साहब अगर अभी ये बंद हो गई ना नहीं तो दोबारा अपने कैफ को बुलाना पड़ेगा, फिर कैफ आएगा बैटरी और पाना ले न्यू लगाएगा और फिर स्टार्ट करेगा, देखो जैसे सेकंड में उठा रहा हूं ना, सेकंड में ऐसे जाने से फर्स्ट में होती है, आवाज इसका ना है वो चेंज कर रखा है, हेडर चेंज है इसका, जैसे मैंने अपनी जिमनी का चेंज कराया था ना तो इसका हेडर चेंज है, मैं अभी चेक कर रहा था, इतनी देर से खड़ा खड़ा गाड़ी चेक कर रहा था मैं, इस गाड़ी में अगर मैं मेन काम बोलूँ ना तो जो मेन काम हो इसकी बॉडी का ही है, बॉडी पैनल का पेंटिंग का ही काम है, जो रस्टिंग इशू है और जो है, अरे भैया कहाँ जाएगा उड़ के जाओ, ठीक है ये देखो नॉर्मल हम अपनी गाड़ियाँ पैदा लगाते हैं, देखो ये दूसरे गियर में मस्त रहा, जान होता है तीसरा भी लगा दूँ, ये चीज कह रहा था मैं, इंजन वाइज गाड़ी बहुत अच्छी, देखो तीसरे में दूसरे में उड़ती नॉर्मल गाड़ियाँ भाई, भाग्य की बहुत कसूती भाई है ये गाड़ी, इसको अभी चेक करेंगे गोल्फ कोर्स रोड पे ना, थोड़ा सा बैटरी वैटरी चार्ज हो जाए इसकी, और एग्जॉस्ट की जो साउंड आ रही ना इसका तो मजा ही अलग है भाई, क्या बस वही है बॉडी वाइज है, उसके अलावा और चीज देखते हैं, अभिषेक भैया को देख खा लेते हैं, इतनी स्पीड पे मतलब चौथा गियर नहीं लेती गाड़ी, तो देख लो बताओ इतने में चौथा ले लेती है, तो जब बड़ा गियर चलेगा तो भाई साहब फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी आएगी, है नहीं भाई, 10 की फ्यूल इकोनॉमी देती है जिप्सी, ठीक है फिक्स है जिप्सी का, 10 की एक्सपेक्ट करो, 9 की 10 की बस, ज़्यादा की भी दे देती है 12-12 निकाल दे, पर भाई जिप्सी वाला माइलेज तो ना देखेगा, वो तो जिप्सी ही देखेगा भाई। अभिषेक भैया तो भी है नहीं वर्कशॉप पे, पिंटू और अनमोल लगे हैं भाई टॉर्च लगा के, अरे इंजन में तो मजा है इसके, इंजन में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है चलाने में, तुम बाकी बॉडी चेक करो, बताओ कितना जंग है, कितना क्या है, कितना क्या क्या बदला जाएगा, क्या क्या रखा जाएगा, है पिंटो पूरी चेक मार दे तसल्ली से, क्या नहीं, क्योंकि भाई ऐसा है ना देखो, काम होने से पहले मतलब डील होने से पहले भाई अगर आपको गाड़ी के बारे में पता लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है, फिर अच्छे से हो पाता है ना भाई,
चलो प्राइस वाइज का देख लेंगे जो भी है, लेकिन ये पता लग जाएगा बुगाटी में भाई कितना काम है, कैसा काम है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, ये चीज़ बनेगी तो कैसे की बनेगी, कितने की नहीं, क्योंकि वायरिंग का भी मुझे ये लग रहा है कि वायरिंग भी मुझे इसकी सारी ही चेंज टोटल करनी पड़ेगी, डैशबोर्ड भी नया आएगा, ठीक है, ये गत्ते वगैरह हैं। खैर पार्ट तो इतने महंगे नहीं है, 1500 रुपये के आसपास का तो सारा डैशबोर्ड आ जाता है, स्टेयरिंग जैसे नया डालेंगे हम, ठीक है, सीटें नहीं आएंगी, फ्लोर में भी यहाँ गलावट है, ठीक है, तो ये पूरा कट हो गया, पीस चेंज होना, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, ये चीज़ तो करनी पड़ेंगी अपने को, ये चेंज करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे भी गलावट है, वायरिंग यहाँ है नहीं लाइट की, तो चीज़ें तो हैं भाई गाड़ी में, काम तो होना ही है, ये गाटर क्यों लगा रखा है, तो जब गाड़ी खुलेगी भाई तब पता लगेगा कितना क्या क्या काम है, उससे पहले वही है ना, देखो यहाँ पे भी गलावट है क्या नहीं, तो ये जंग वंग तो काफ़ी जगह लगा हुआ है गाड़ी में, कल वाली जो गाड़ी थी ना वो बॉडी वाइज काफ़ी साफ सुथरी थी भाई। पिंटू बिल्कुल तसल्ली से चेक कर लियो कितना जंग है, कहाँ है, क्या है, कैसे है, रिपेयरेबल है नहीं है, ये होता ना कई चीज़ें कि जी हो जाएगा या नहीं होएगा, अनमोल तेरे को कहाँ कहाँ मिला ऐसा, अभी तक कोई ऐसा मिला कि भाई जो नहीं हो पाएगा, ऐसा तो ना मिला, मतलब हो जाएगा है, अरे भाई साहब कंडम गाड़ियां होते हैं वो बन जाती हैं क्या नहीं है पिंटू, फर्श गला हुआ है, फर्श पूरा गला हुआ है, वो तो पूरा पीस कट के नया डलेगा फिर, हाँ तो जितना है कटा उतना तो काट के डालेंगे ना, जितना जितना साफ है उस वाले को भी थोड़ा काटेंगे ना, और क्या, नहीं तो भाई ऐसा होता है ना थोड़ा सा काटेंगे फिर वो जंग आगे कहीं और बढ़ेगा, तो वही है ना जितना गला है उतने से थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट के उतने पीस को और दोबारा से बढ़ा देंगे, देखो चद्दर उद्दर तो सब मिल जाती है, सब हो जाएगा, पता क्या गाड़ी की जो लाइन है ना ये लाइन नहीं खराब होनी चाहिए, लाइन सारी मिली है, कब्जे सारे नए बदलने पड़ेंगे अपने को, जिनको आप हिंज बोलते हो, ठीक है, आप क्या बोलते हैं सभी बोलते हैं भाई, लूज हो रखे हैं, देखो ये देखो प्ले हैन में बहुत ज़्यादा, तो दो कब्जे इधर के दो उधर के पीछे के कब्जे, कब्जे चेंज होएंगे, ठीक है, रिम सही है, टायर अपने को बदलने हैं, ये सारा बिल्कुल नया होगा, मतलब धुल के सारा अच्छे से बढ़िया से होएगा, उसके अलावा ये ऑरेंज पेंट है, हम इसका अपना अपनी मर्जी का पेंट करेंगे, ठीक है, नहीं ये भी ख़राब होंगे, इनमें भी गलावट है, ये इनमें गलावट है बॉडी में गलावट है, हैं बॉडी में हैं, चेसी साफ है, चेसी साफ है ना, चेसी में गलावट हो ना भाई वो ज्यादा दिक्कत करती है ना पिंटू, फिर तो अब उसके अंदर चेसी बिल्कुल साफ है ना ऊपर से, हैं चेसी साफ है, बॉडी में ही काम है भैया, बॉडी में तो बहुत काम है, देख गली पड़ी है, हाँ दूसरा पार्ट लेके कट करके डालना पड़ेगा इसमें तब बात बनेगी भाई, बॉडी तो गली पड़ी है, बॉडी गली पड़ी है ना, चेसी ठीक है इंजन ठीक है, पिंटो तू चला के देख के आएगा क्या या भैया का इंतजार करें, और अच्छा चल पिंटू इधर से इंजन को नीचे से देखियो, चैम्बर वैम्बर लीक तो नहीं है कोई, हैं हैं डिफरेंशियल या गियर बक्से का नट लूज होगा, देख हाँ देख नट लूज है तो नट टाइट कर दे उसका, पावर स्टीयरिंग का पंप भी लीक है, हैं ये सारे बनाने पड़ेंगे, सबकी सील वील डालनी पड़ेंगी, एक दिन में कितनी बार बैटरी लगानी पड़ेगी भाई हमारे को इस पे, हैं लगा वे पिंटू मार सेल्फ, मारना सेल्फ मारना नहीं ले रही, हाँ अब टच कर, अरे तेरी ये वाली भी डन में वहां तो स्टार्ट हो गई थी यार एक बार में ही, भाई अनमोल ने तो बैटरी उल्टी कर दी इसके ऊपर, मारियो सेल्फ मारियो मार, गरम होने के बाद स्टार्ट नहीं हो रही, सेल्फ में ही दिक्कत है, सेल्फ में दिक्कत है ना, हाँ इतना नहीं कोई, बैटरी भी खराब है सेल्फ भी खराब है, ले भाई पिंटू ने और खर्चा बता दिया, और ये आ गया अभिषेक भैया, चल पिंटू तू बच गया, चल एक राउंड तू भी हमारा जिप्सी का, फिर भैया के साथ चलेंगे हम, अभिषेक भैया अभी आप संभालो 5 मिनट फिर आपके राउंड पे चलेंगे, आज पिंटू को लेके चलते हैं, चल पिंटू भाई, पिंटू ने भी तो भाई बहुत साल हो गए, पिंटू तेरा भी तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो लिया होगा, है 19 साल हो गए, वो तो हो कितने साल का गया है, 34 साल का, अच्छा जी ले ओह चलने में कैसी है पिंटो, कह रहा अभी चलाने तो दो अभी तो तीसरा गियर लगाया है, हाँ भाई पिंटो कैसी चली फिर गाड़ी, गाड़ी तो चलने में सही है भैया, चाल सही है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, बस भैया को थोड़ा बॉडी का काम मांग रही है, मेन काम बॉडी का है ना, हाँ चेची जी अपना सही है, हाँ मेन तो चेची जी है, इंजन में सस्पेंसर में है ही क्या, कमानी पटे हैं, बदल देंगे नहीं तो
जिस आगे बढ़िया से पेंट करवा देंगे बदल देंगे, कमानिया के बुश भी बदल देंगे, ठीक है। ली स्प्रिंग कई भाई मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे विक्रम भाई ऐसे ना वर्ड समझ में नहीं आते हमारे को थोड़े से, मैं चलो कोई बात नहीं मैं समझा दूंगा ना कौन सा शब्द बोल रहा हूँ। उसके अलावा क्या खराबी है? अच्छाई तो मुझे पता है, बस इंजन में अच्छाई है इस गाड़ी के। हाँ, इंजन में तो अच्छाई है। वायरिंग का भी मेरे को थोड़ा सा लगता है। वायरिंग का भी थोड़ा काम है ना, कंप्लीट नई वायरिंग ही मंगा लेंगे इसकी। हाँ, पूरी वायरिंग मंगा ले तो सही रहेगा, सस्ती पड़ेगी। शीशा भी बदलना पड़ेगा, शीशे में बहुत स्क्रैच है, शीशे में बहुत ज्यादा स्वेल मार्क्स आ रखे हैं भाई। शीशे भी लोकल डले हुए हैं। लोकल है? हां लोकल है, अतुल फ्लोट। हम जेन्युइन डालेंगे भाई साहब, वही है भाई, कोई चीज ऐसी लोगे, यही तो प्रोजेक्ट है भाई साहब। तो मतलब ऐसी गली सड़ी इंजन से ठीक, मतलब दिल जिसका ठीक हो और वो है ना शरीर ऐसा हो। शरीर को कैसे सुधारोगे आप? अच्छा खाना उसके अंदर डालोगे, उसको जिम में भेजोगे, ठीक है ना, ये सारी चीजें करोगे तो वो चीज ठीक हो जाएगी। जब दिल ही खराब हो ना फिर नहीं खाना छेड़ना चाहिए। मजा ले रहा राइड का, बगानो स्वाद तो आ रहा है पिंटू, है ना, हेडर चेंज है ना इसका, आवाज मस्त आ रही है एकदम से, रेस देते ही। हाँ और ठीक है ना भाई, ये दोनों गाड़ी मेरे पास BS6 है, थोड़ी BS4 वाली का भी मजा हो जाएगा, BS4 या BS3 जो भी है, इसका स्वाद भी हो जाएगा। मैं तो ठीक हूँ, गाड़ी तो ले आया मैं, पर आपने तो रिजेक्ट कर दी। नहीं नहीं मेरे नहीं आ रहा समझ में, नहीं आई समझ में, बॉडी लाइन से समझ नहीं आई आपका ना, गाड़ी में वो चीज ही नहीं है जो हम कल देख के आए। हाँ कल वाली भाई गाड़ी थोड़ी ज्यादा साफ थी, बॉडी लाइन देखे, उसका इंजन भी ओके था, बॉडी भी सही थी, बॉडी भी सही थी। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज है ना, बॉडी में अगर एक बार रस्टिंग आ जाए ना, हाँ, उसका कोई इलाज नहीं, यही बात। आप इंजन कैंसर की तरह हो गई, कैंसर की तरह है। अगर आप यहाँ से है ना, आज यहाँ गला है तो कल साड़ा यहाँ गल जाएगा, ठीक बात है। रस्टिंग का कोई इलाज नहीं, सही बात है। तो रस्टिंग का तो आपको कोई इलाज नहीं। अभी देखो, अभी इसमें वेल्डिंग कर रखे हैं, वेल्ड है, ये वेल्ड है, ये वेल्ड है, और यहाँ वेल्ड नहीं, सही बात है, ये बना रखी है। और एक्सपीरियंस वाला आदमी देख के बताएगा। वही तो, मैं तो मैंने देख लिया था, बॉडी वाइज तो मैंने भी बता दिया था, बॉडी वाइज तो है ही नहीं इसमें। चलो फिर ठीक है, फिर वापस दे देंगे, लेंगे इसको, दे दो भैया, है ना, नहीं आई समझ में भाई। तो भाई अभिषेक भैया ने तो मना कर दिया भाई कि ये वाली गाड़ी विक्रम भैया नहीं चलेगी, कल वाली ज्यादा बेटर थी। तो चलो कोई बात नहीं, कल वाले भाई का अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई अपनी तलाश जारी रहेगी, करेंगे भाई। बस इस वीक में मैं डेफिनेटली लेके फाइनल करके डन कर दूंगा, साफ सुथरे अब लग गया ना इस काम पे, तो अब इसको डन करके हटूंगा यार फटाफट। और भाई ये भी आना नहीं चाहती, ये फिर बंद हो गई, खड़ी होगी, ये देख लो भाई, ये फिर बंद हो गई भाई, क्या करूं बता मैं इसका यार, है वो तो शुक्र है मैं इस वाली लेन में था, अगर मैं बीच में होता तो कहां से अब इसको धक्का मार के साइड में करता है। बोला मैंने पिंटू को, आ जाए यार, दो भाई फटाफट आओ स्कूटी पे, मारो इसका धक्का, करें इसको स्टार्ट। यार 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 तो भड़क ही हो गई सच में, चलो इतनी भड़क तो अपन लेते रहे, ये भड़क ही तो ले रहे हैं हम, हाँ इतनी आसानी से रिस्टोर ना हो भाई, जिप्सी भड़क देगी, दिमाग खा जाएगी बिल्कुल, तब होगी। भाई की गाड़ी भाई भाई को सौंप दी, हालांकि भैया ने बोला कि बता तेरा क्या मन है, कुछ कम ज्यादा करना है, पर पता क्या होता है यार, देखो अगले बंदे को बिना नुकसान नहीं करना चाहिए, देखो अगले बंदे की जिसकी चीज है ना उसकी थोड़ी सी होती है ना रिस्पेक्ट, कह लो कदर उसकी करनी चाहिए कि भाई हाँ भाई अगले ने जितने की ले रखी है और जिस हिसाब से बैठता है, ठीक है हमारे लिए वो चीज उतने की नहीं है लेकिन अगले बंदे ने लगा रखे हैं, तो कई बार आपसदारी ही बता रहा हूँ मैं ये, तो इट्स बेटर के नहीं भैया नहीं बन पाएगा, तो बोला चल ठीक है भाई तेरा मन ही नहीं माना, मैं बोला मैं समझ में नहीं आई मेरे को, इंजन वाइज ओके है, मैं बॉडी वाइज तो मैं यूं लगा लो पूरी बॉडी ही बदलनी पड़ेगी दोबारा से, मायापुरी से नई बॉडी उठा के सारा सिस्टम करना पड़ेगा, तो मैं उस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा काम खिंड जाएगा, मतलब रायता सा फैल जाएगा, मतलब वो चीज़ नहीं चाहिए थी, तो इसीलिए मैं भैया के पास वापस छोड़ा, मैं भैया नहीं आप तैयार करो इसको, क्योंकि भैया के पास भी वो इसीलिए खड़ी है कि वो तैयार करनी है, हाँ तैयार होने के लिए खड़ी है, वो बस आलकस कर रहे थे, बोला यार तू ले जा तू कर तैयार अपना, ठीक है कोई नहीं भैया मैं ढूंढता हूँ कुछ और।